हमारा रबी अवल ईद मिलाद नबी आप सबको मुबारक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईद मिलाद नबी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या भाई? और बस तकरीबन सभी रेडी हो चुकी, मैं आपको दिखाता हूँ। पैना फ्लेक्स लग चुका है, कुर्सियाँ वगैरह सब सेट हो चुकी, नाम लिखे हुए हैं। और ये पूरी चुरंगी आप देख सकते हैं किस तरह सजी हुई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, वो आप लोगों को ये बताएंगे। कहाँ जा रहे हैं भाई हम लोग? अभी जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हमारा आज का व्लॉग होने वाला है 12 रबी अव्वल के ऊपर। और अभी इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7 और हम दोनों बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अभी हम लोग कुछ काम है तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, ऐसा ही बिल्कुल। तो चलते हैं बाहर, बिल्कुल चलते हैं कैसे, चलो फिर चलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर और काफ़ी मेहनत हो गई है। और अभी हम लोग ने लगाई यहाँ पे सबील, ये देख सकते हैं आप लोग, इस पर टेंट वगैरह लगाया। तो काफ़ी मेहनत हो गई है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं उज़ैर का। उज़ैर को हम लोगों ने पानी लेने के लिए भेजा है क्योंकि हम लोग शरबत बनाएंगे आज, क्योंकि जो लोग जुलूस से आएंगे तो उनके लिए हम लोग शरबत बनाएंगे। और अभी भी काम चल रहा है, आकिब भाई और अली अहमद कुर्सियाँ वगैरह सेट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हमारे पास जामे शरी रखा हुआ है और कप वगैरह रखे हुए हैं। तो उज़ैर गया हुआ है अभी पानी लेने के लिए, तो वो पानी लेके आता है तो फिर शरबत वगैरह बनाते हैं। तो अभी पानी आ चुका है, जैसे मैंने बताया था कि उज़ैर पानी लेने गया हुआ है। ये देख सकते हैं इसमें पानी आ चुका है और जग्स वगैरह भी आ गए। तो अभी धुलेंगे उज़ैर या धुले हुए हैं? धुले हुए, बस सही है, ओके। उज़ैर का मुंह धोना रह गया, बाकी जग भी धुले हुए हैं। काम तो अभी बाकी है ना। हाँ जो बात है, यहाँ पता चलेगा कितनी जान है। अगर भाई दो पहलवान आ चुके हैं। नहीं यार, कैसे रखोगे? डायरेक्ट ऊपर से रखोगे यार नीचे उतारोगे पहले? अरे ऊपर से सही नहीं है, तो पैदल लाना। एक काम करते ना, देख जब घर भर के यहाँ रखते हैं ताकि थोड़ा इसका वेट कम हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ये भी उतार के भाई, ये लोग भी आ चुके हैं। अस्सलाम, कैसे हो भाई? भाई मैं तो नहीं उतार रहा, इन लोग उतारने दो, गिरेंगे तो पानी आएगा। जहाँ भी गिरा तो मेरे ऊपर ही आनी, तो मैं उतार ही नहीं रहा, हाथ भी नहीं लगा रहा। ये लोग उतार रहे हैं, लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा इन लोगों से, तो क्योंकि उतर नहीं रहा, तो मुझे जाना पड़ेगा लग रहा है। आऊँ क्या? आना पड़ेगा। आ रहा हूँ। तो वीडियो उज़ैर का भाई बनाएगा, मैं जा रहा हूँ मदद करवाने इन लोगों की। तो एक बंदा इधर आ, एक बंदा इधर आ, सुई इधर आ जाओ। यहाँ से उठा के रखना, इधर आ जाएगा। मैं यहाँ से आराम से, अरे ये बस हो गया। ओए बस के अंदर दिखा दो, इसके अंदर क्या है, नहीं बना हुआ। तो गाइस यहाँ पे ये उतर चुका है, और वो सब लोगों को भाई बड़ी मेहनत लगी है तो उतर चुका है। मैं भी उतरता हूँ, बस छोड़ दो। हाँ ऐसी लगा दो, ऐसी सही लग रहा है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, जश्न ए ईद मिलाद उन नबी मुबारक हो। तो गाइस यहाँ पे पैना फ्लेक्स लग चुका है, तो बहुत बहुत मुबारक हो जश्न ए ईद मिलाद उन नबी। और तकरीबन हमारी सबील का काम हो चुका है, बस शरबत बनना बाकी है। और अभी इस वक्त 8:45 हो रहे हैं, 9:30 तक यहाँ पे जुलूस पहुँच जाएगा। तो उससे पहले हमें शरबत बनाना है। और अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। उज़ैर भाई तो भाई सुबह से लगे हुए हैं, कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं करें। तो उज़ैर भी अभी जाएगा कपड़े चेंज करने। और बस तकरीबन सबील रेडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पैना फ्लेक्स लग चुका है, कुर्सियाँ वगैरह सब सेट हो चुकी हैं। और शरबत का भी सारा सामान आ चुका है, बस चीनी लानी है और पानी वगैरह सब रेडी है। तो जल्दी से ये लोग अभी चीनी लेने जा रहे हैं शरबत के लिए, तो ये लोग जल्दी से लेके आते हैं, तो हम लोग फिर शरबत बनाते हैं। गाइस अभी इन लोगों के साथ मैं भी आ गया हूँ चीनी का सामान लेना है, चीनी लेने आ रही थी शरबत के लिए। तो ये लोग जा रहे हैं अभी और मैं इस वक्त हाईरूफ के ऊपर हूँ। आप लोग बोल लोगे मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। ओ हाईरूफ नहीं है, सॉरी सुजुकी है। तो ये लोग लेके आ रहे हैं उधर से। तो गाइस ये लोग आ चुके हैं लेके। क्या है इसमें सर? चीनी घुली हुई, चीनी घुली हुई भाई। चलो तो ये सामान भी आ चुका है हमारा, तो इसको ऊपर रखवाना है, ये सबसे बड़ा मसला है। कौन रखवाएगा भाई? कर लोगे? चढ़ जाएगा, हल्का भारी चढ़ जाएगा ये तो। लगता है मुझे यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, देखते हैं। चढ़ा लेंगे यार ये लोग। चलो ऊपर रख, ऊपर रखे डंडे से पकड़। हाँ इधर नहीं रखना, नहीं नहीं आएगा। अबे ऊपर आ जाओ, एक बंदा ऊपर आ जाओ। ये देख चल यार, करो वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बैग जाओ, बैग जाओ। अबे यार, अबे नहीं ना, वो गिर रहा था उधर, पानी जा रहा था। तो भाई नहीं चढ़ रहा, मुझे जाना पड़ेगा। तो मुझे व्लॉग रोकना है, यहाँ पे कोई व्लॉग बनाने के लिए नहीं है, तो मैं चढ़वा के आता हूँ बस। गाइस फाइनली हम लोगों ने चढ़ा दिया ऊपर, मैंने और उजैर ने। और भाई मैंने भी चढ़ाया भाई व्लॉग में, मैंने व्लॉग बंद करके आया हूँ मैं इसके लिए। तो ये चढ़ चुका है ऊपर और पानी गिलन वगैरह भी ले लिए थोड़े। तो बस चलते हैं इनको, इस सामान को लेके सबील की तरफ। तो गाइस सारा सामान आ चुका है शरबत का, और सारा सामान हमने उतरवा भी दिया, और अभी उजर गया चेंज करने के लिए। और मेहनत बहुत हो गई, क्यों आके भाई? मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो गई, आप लोग पसीने देख सकते हैं। तो बस उजैर का वेट कर रहे हैं, उजैर आता तो शरबत बनाते हैं। उजैर भी आ चुका है, तो उजैर भी आ चुका है, और उजैर तैयार होने गए थे, क्या वो तैयार नहीं हुए? ये क्या है? हो गया तैयार? चलता हूँ मैं। तो तैयार हो गया भाई, तो बस क्या करना है, शरबत बनाते हैं जल्दी से। शरबत बनाते हैं फटाफट, जुलूस भी आने वाला है। वहाँ जुलूस भी आने वाला है, तकरीबन 15 मिनट बचे हैं जुलूस आने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं और शरबत बनाते हैं, चलो। शरबत वगैरह बना ली है और बस जुलूस का वेट कर रहे हैं, जुलूस आने वाला होगा। तब तक आप लोग जाके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और बस अभी जुलूस का वेट कर रहे हैं। जुलूस जा चुका है, आपको मैं दिखाऊं कि सारा सामान भी हम लोग ने समेट दिया यहाँ से, और जुलूस जा चुका है आगे की तरफ, और शरबत वगैरह हम लोगों ने बांट दिया था, और अभी सामान वगैरह यहाँ से सारा उठवा दिया। ये लोग खड़े हुए हैं इधर, सारा सामान लोड हो चुका है गाड़ी के अंदर। और क्या बोलना चाहोगे? ये बोलना चाहेंगे कि हम काफ़ी थक गए, बहुत थक गए भाई, हमने कोई काम नहीं करा, हम काफ़ी थक गए। नहीं यार उजैर ने नो डाउट यार बहुत रश में घुस के शरबत पिलाया, जो बात है। तो अभी बस गाड़ी जा रही है, लोड हो चुका है सामान, तो शाम में मिलते हैं फिर। अभी हम लोग घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थक गए क्योंकि, तो घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर शाम में मिलते हैं। 2000 years later गाइस घर जाके रेस्ट करके हम लोग आ चुके हैं दोबारा से। अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, और अभी मैं अपनी तस्वीर वगैरह खींचने के लिए आया हूँ, तो जल्दी से मैं तस्वीर वगैरह खिंचवाता हूँ अभी। बाकी के मैं फ़्री हो चुका हूँ और अंधेरा होने वाला है और आप लोगों को पता है कि 12 रबी अव्वल का दिन है, तो आपको रौनकें भी दिखानी पड़ेंगी। ये लोग यहाँ पे खड़े हुए अपना क्या करना है बॉयज़, चलें फिर वापस शाह फैसल, चलो तो चलते हैं। अभी हम लोग आए थे एयरपोर्ट शूट करवाने के लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस शाह फैसल के लिए, तो वहाँ चलते हैं, आप लोग को वहाँ की रौनकें दिखाते हैं। और 12 रबी अव्वल का दिन है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी से अच्छी चीज़ें शेयर करा करें, कोई ऐसी चीज़ ना शेयर करा करें कि किसी को दुख हो, तकलीफ़ हो उससे। तो जो चीज़ें अच्छी होती हैं खाली वही चीज़ें शेयर करा करें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शाह फैसल कॉलोनी, तो वहाँ चल के आप लोग को वहाँ की रौनकें दिखाते हैं, तो चलते हैं फिर। अभी हम लोग आ चुके हैं शाह फैसल कॉलोनी और ये देख सकते हैं आप लोग कितनी खूबसूरत ये शमा चुरंगी है, इस पर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं और ये पूरी चुरंगी आप देख सकते हैं किस तरह सजी हुई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग को ये लोग बताएंगे कहाँ जा रहे हैं भैया। अभी हम लोग अभी जा रहे हैं 5 नंबर और वहाँ पर जाके भी दिखाते हैं, बहुत अच्छा सस्ता है 5 नंबर। तो चलते हैं 5 नंबर, लेट्स गो। शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर से हम लोग आ गए हैं शाह फैसल कॉलोनी 1 नंबर पे, तो आप लोगों को दिखाया है कि 5 नंबर कैसा सजा हुआ है। तो अब बारी है शाह फैसल कॉलोनी 1 नंबर की, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सजा हुआ है ये, तो उसको आप ज़रा अपने स्टाइल में दिखाते हैं, तो चलते हैं। तो गाइज़ घर हम लोग आ चुके हैं और जैसा कि आप लोगों ने आज देखा पूरा दिन आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर करा, तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।